अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले अपर्णा यादव से बात की थी। अपर्णा यादव जो कि अब बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन इससे पहले उनकी पहचान हुआ करती थी कि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की। अपर्णा जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप लगातार ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी इस बार जबरदस्त जीत हासिल करेगी, किस आधार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और ये हमारा संकल्प है कि हमने हमेशा लोगों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा सोचा है, और इसी क्रम में हमारे ऊपर पूरा भरोसा है जनता को। जी अच्छा, हमने बाराबंकी में देखा कि आप समाजवादी पार्टी के लोगों पर खूब भड़क गई, बरस गई। आपने यहां तक कह दिया कि आप शेरनी हैं, किसी से डरती नहीं है, जंगल में अकेले शिकार करती है। क्या हो गया था ऐसा? वहां पे रिकॉर्ड हुआ था ये सारी चीजें। एक जनसभा थी बाराबंकी में, और उसमें कुछ लड़के थे, उसमें उन्होंने महिलाओं पे ईंटें फेंकने की कोशिश करी थी, और कुछ लोगों को उसमें धक्का मुक्की भी हो गई। तो मेरा बस यही कहना था कि वो महिला सभा थी, मेरी जनसभा थी, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन था। तो इस तरीके के अराजक तत्व जो है, महिलाओं को डराए ना धमकाए, क्योंकि जिस तरफ जो है जननी का विचार होता है, उस तरफ जो है पूरे समाज का विचार बनता है। जी जी अच्छा, ये बताइए कि आप जब जाती हैं सभाओं में, तो हमने ये देखा कि आप अपने ससुर जी का यानी मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेती हैं और कहती हैं कि उनके कहे पर वोट दो, और फिर आप कहती हैं कि वो मोदी जी के फैन है, यानी भाजपा को वोट दो मुलायम सिंह यादव के कहने पर। तो आप बताइए, आपने तो खुद कवर किया होगा उस चीज को पार्लियामेंट में। मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं, मैंने कोई असत्य वचन तो कहे नहीं। ये तो एक फैक्ट है जो नेताजी ने कहा था पार्लियामेंट में, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। नहीं, लेकिन ये बात तो फिर ठीक है ना कि आप अप्रत्यक्ष तौर पर मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांग रही हैं, वो भी बीजेपी के लिए। नहीं, मैंने उनके उनके नाम पे वोट नहीं मांगे, मैंने उनका वचन दोहराया। और देखिए, हम लोग जो है वचन के पालन करने वाले भारतीय लोग हैं। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो हम तो जो है हमेशा वचन का अनुपालन करते हैं। तो हम तो नेताजी की बस मैं बात दोहरा रही थी, उनके नाम पे मैंने कभी वोट नहीं मांगे। जी, उन्होंने तो स्वयं आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में, ये तो एक फैक्ट है, उनका बयान रिकॉर्डेड है ये। जी अच्छा, अब जो आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, उस पर आपसे पूछना चाहता हूं। आजकल गर्मी की खूब चर्चा है, गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी उतार देंगे, इस सब पर आपको क्या कहना है? इस किस्म के शब्दावली, इस किस्म के बयान क्या ठीक लगते हैं आपको? ये तो देखिए, हमारे जो भी इस तरीके की कंटेक्चुअल बयानबाजी पॉलिटिक्स में लगी रहती है, और डेफिनेटली आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी अराजक तत्व थे, जिन्होंने गुंडागर्दी करने से लेकर के और न जाने किस किस तरीके के प्रयास करे कि लोगों पे अत्याचार कर सके, उनकी भावना को दुर्भावना में बदल सके, उनकी चर्बी निकालने का काम तो किया ही है उन्होंने। जी अच्छा, ये बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट है, यादव समुदाय है, वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है और वो उन्हीं के साथ जाएगा। आप एक यादव परिवार की बहू हैं, आप आज बीजेपी में हैं, आपको लगता है कि ये वोट भाजपा भी हासिल कर सकती है, या ये सपा ही आपको लगता है कि उस वोट बैंक पर तो उन्हीं का आधार है? देखिए, यादव हूं मैं यादव हूं, और मैं तो यादवों के बीच में जाऊंगी, और जहां तक है मेरी जनसभा इस बात का परिचायक है कि यादव महिलाएं और यादव युवक सब लोग मेरे साथ हैं। जी, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ। जी देखिए, अब मैं बात करता हूँ देश की आधी आबादी की। आप महिलाओं का मुद्दा खूब उठाती हैं, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की इस बार खूब बात की है, बल्कि टिकट में तो महिलाओं को एक तरीके से आरक्षण दे दिया है उन्होंने। देखिए, उनके खिलाफ और उनकी तरफ एग्रेसिव होने का किसी प्रकार का तात्पर्य नहीं है। मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने ये देखा है कि कांग्रेस पार्टी को वो महिलाओं के मुद्दा उठाना
महिलाओं के बारे में सोच रखना, ये तब याद आता है जब चुनाव हो रहा होता है उत्तर प्रदेश में। उनको महिलाएं और बच्चियां दिखती नहीं हैं पंजाब में, उनको उत्तरांचल में नहीं दिखती हैं, उनको कहीं नहीं दिखती, उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखती हैं, क्योंकि पार्टी के पास कोई है ही नहीं अब लड़ाने के लिए उनके। तो वो सोच रहे हैं कि महिलाओं को टिकट दे करके शायद जो है वो आगे की राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर जो है इतना ही होता तो उत्तरांचल में ये एक टिकट नहीं दे सकते थे? महिला विंग की इनकी प्रदेश अध्यक्ष कह रही है कि यहाँ कितना मुझे उत्पीड़न महसूस हो रहा है कांग्रेस पार्टी की। आप बताइए, पंजाब में 12 टिकटों की मांग हुई थी महिलाओं के लिए, एक टिकट नहीं था कांग्रेस के पास। तो ये सिर्फ स्लोगन बेस्ड राजनीति करते हैं, इनका किसी तरीके का विकास का एजेंडा नहीं है। और इन्होंने देश को विकास की जगह जो है मुझे लगता है कि लूटने का काम किया है। जी अच्छा, एक सवाल आपसे ये और मैं पूछना चाह रहा था कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि परमात्मा जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बना देंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में था, संदर्भ में था ये? मैंने ये बात नहीं कही। जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं उनको उनसे पूछिए, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे लिए परमात्मा सर्वत्र है। मेरे लिए इस कैमरे में भी परमात्मा है, इस ईयरफोन में भी परमात्मा है, इस माइक में भी परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है। तो जो है ईश्वर तो सर्वत्र है। और हम लोग जो है अपना विकास का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आपने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी दावा करती है सिर्फ पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि 300 प्लस सीटें जीतेंगी, तो आपका भी यही है, आपका भी भरोसा? मैं तो बता ही रही हूँ आपको। मैं देखिए, सीट एनालिसिस के बारे में शायद हफ्ते भर के अंदर आपसे बात कर पाऊँ, पर जहाँ तक मैं घूमी हूँ, जिन जिन जिलों में मैं गई हूँ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और लोअर फीडबैक जो हम लोग को आ रहा है वो यही है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।